टोल बंद करना ये तो जरूरी है, कई सालों से ये मांग नवी मुंबई से भी हो रहा है, मुंबई से हो रहे हैं, सब जगह से हो रही है। क्यों टोल, जब शिवसेना बीजेपी का गवर्नमेंट था, जब चीफ मिनिस्टर मिस्टर मनोहर जोशी साहब थे और ये जो हमारे फ्लाईओवर्स बने, ये सब आइडिया तभी जो बांधकाम मंत्री थे हमारे नितिन गडकरी जी, जो आज केंद्र में टोल लगा, अभी उस लोगों को ये प्रॉमिस किया गया कि टोल जो इसका कंस्ट्रक्शन का पैसा वसूल हो जाने के बाद टोल बंद हो जाएगा, लोग ने मान लिया, लोग भरने लगे। आज स्थिति क्या है, मतलब आप 95 से आज 23rd 28 साल हो गए, 28 साल मतलब अपना ऐसे मतलब 25 साल पकड़े, तो पहले टर्म में हो गया ना भैया फ्लाईओवर्स, 25 साल हो गए, 25 साल में अब टोल कई जगह आंदोलन किए गए, मारपीट हुई, तोड़फोड़ हुई। आदित्य ठाकरे जी का जो आज उन्होंने जो ऐलान किया है, उन्होंने जो अनाउंसमेंट किया है, उन्होंने टेक्निकल मुद्दे पर अनाउंसमेंट किया है। टेक्निकल मुद्दा यह है कि मुंबई कॉरपोरेशन, नवी मुंबई कॉरपोरेशन या कई थाना कॉरपोरेशन हो, सभी जगह कॉरपोरेशन वहाँ के मेंटेनेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलप करते हैं उसका मेंटेनेंस करती है, और टोल किसको भरते हैं, हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, राज्य गवर्नमेंट को, और इसमें लोगों को, कौन से लोगों को वहां पर जुर्माना, ये जबरदस्ती है, वो भरना पड़ता है। जो यहाँ 3 किलोमीटर के अंदर के एरिया में लोग रहते हैं, बाहर के लोग हम समझ सकते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पर रेसिडेंट्स हैं, ऐसे लोगों को ये टोल भरना पड़ता है, ये गलत चीज है, ये मिस्टर आदित्य ठाकरे जी ने पॉइंट आउट किया है, और इसके ऊपर कई लोगों ने टिप्पणी की, हमने सुना, लेकिन वो गलत है। आदित्य ठाकरे जी का जो मुद्दा है वो टेक्निकल मुद्दा है, उसमें कोई तोड़फोड़ नहीं है, ये पॉलिसी मैटर है, पॉलिसी को हम लोग गलत पॉलिसी है ये प्रूव करके उसको हम लोग सीधा करेंगे। और उन्होंने बोला है हमारी गवर्नमेंट आएगी हम पहला निर्णय ये लेंगे, अभी ये कोई मतलब इलेक्शन जुमला नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, क्यों ऑलरेडी इसके पैसे वसूल हुए कंस्ट्रक्शन के, अभी दूसरे भी पुल बन गए, ऐसे 10 पुल ब्रिज बना सकते हैं हम, इतना पैसा जमा हुआ है ये टोल के साथ, लेकिन ये बात कोई भी अभी तक टेक्निकली नहीं मान रहे, लोग तोड़ रहे, तोड़फोड़ कर रहे हैं, ठीक है हम उनके विरुद्ध नहीं है, उनका अपना काम है वो कर रहे हैं, हम उनको करने देंगे, हमारा कोई रुकावट उनके पास आएगा नहीं उनके साथ। लेकिन जो मुद्दा आदित्य जी ने उठाया वो मुद्दा टेक्निकल है और उसको वो प्रूव करेंगे, हमें विश्वास है कि ये टोल इलेक्शन होने के बाद डेफिनेटली उद्धव जी ठाकरे साहब का गवर्नमेंट आएगा और वो गवर्नमेंट पहला निर्णय ये लेंगे कि टोल बंद। एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री है, लेकिन उनके साथ जो उनके 40 लोग आए हैं उनको मालूम है हम लोग गलत तरीके से शिंदे साहब के साथ में आए हैं और बीजेपी हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको मालूम है अभी मौका मिला है, इस मौके में हम जितना भी बटोर सकते हैं उतना बटोरना चाहिए, क्यों हमारा इसके आगे पॉलिटिकल लाइफ खत्म होने वाला है, ये उनको पक्का विश्वास है, पक्का जानकारी है, और इसके लिए जितना भी जहाँ से भी हम पैसा वसूल कर सकते हैं वो वसूली का काम चल रहा है। यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने भी कहे पिछले 20 साल से कई बार ये मांग किए विधानसभा में, हमने न्यूज़पेपर में पढ़े, हमने उनका भाषण सुना है और हमने उनके साथ भी काम किए, उन्होंने ये मांग की है वो नाजायज मांग नहीं है, ये मांग सही है और वो लोगों के लिए जरूरत है। उसका देशन में बोला टेक्निकल मुद्दा है कि 3 किलोमीटर के अंदर अगर जो लोग रहते हैं उनको टोल फ्री होना चाहिए, वो टोल फ्री के लिए यहाँ के विधायक ने कई बार मांग की, लेकिन अब आदित्य ठाकरे जी ने जो ऐलान किया है, उन्होंने जो पॉइंट आउट किया है कि ये इलेक्शन होगा उसके बाद में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की गवर्नमेंट आएगी और वो गवर्नमेंट आने के बाद पहला निर्णय ये होगा टोल फ्री, टोल बंद। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।